हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं तो कि फ्रांस की गवर्नमेंट जो इंडियन स्टूडेंट जो मास्टर्स कर रहे हैं उनको 5 साल का PhD दे रही है, क्यों दे रही है, सच है या झूठे से क्या बेनिफिट है, तो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अभी अपने जो नरेंद्र मोदी जी है वो गए थे फ्रांस में, वहां से आने के बाद फ्रांस की गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है कि जो भी इंडियन स्टूडेंट फ्रांस में जाके मास्टर्स कंप्लीट करेगा तो उसको उसके बाद आफ्टर स्टडी आपको 5 साल का PhD मिलेगा। PhD क्या होता है? पोस्ट स्टडी वीजा होता है, जो कि आपको स्टडी कंप्लीट होने के बाद 5 साल आप और वहां पर रह सकते हो और जॉब कर सकते हो, ठीक है। और इसे क्या बेनिफिट है, अगर अपन बात करें बेनिफिट की, तो अगर आपको 5 साल का PR मिल रहा है, PhD मिल रहा है और 2 साल के आपके मास्टर्स है, तो आपके टोटल 7 साल वहाँ पर होते हैं रहने के लिए। और आई थिंक किसी को जो टारगेट है कि हमको वहाँ पर सेटल होना है, PR लेना है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप फ्रांस जाओ। फ्रांस में आप 5 से 7 साल रहने वाले हो तो डेफिनेटली आपको PR मिलना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और ये जो न्यूज़ है वो सच न्यूज़ है, रियल न्यूज़ है, और आपको इसका बेनिफिट उठाना चाहिए कि आप फ्रांस में जाके स्टडी करो। आप कोई भी कंट्री अगर सिलेक्ट कर रहे हो तो फ्रांस की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, डेवलप्ड कंट्री है, और ज्यादा जो ट्यूशन फीस की बात करें अगर वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी की, तो 6-7-8 हज़ार यूरो से स्टार्टिंग हो जाती है एवरेज, ठीक है। इससे कम भी मिल सकती है, इससे ज्यादा भी मिल सकती है, वो डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है गवर्नमेंट की। अगर कोई चाहता हो प्राइवेट स्टडी करना तो डेफिनेटली प्राइवेट में भी स्टडी कर सकता है, लेकिन थोड़ी सी जो फीस होती है ट्यूशन फीस वो प्राइवेट की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पब्लिक यूनिवर्सिटी। तो अगर अपन डिफरेंस देखें दोनों में, पब्लिक और प्राइवेट का, तो अप्रोक्स इंडिकेट करके 3 से 4 लाख 5 लाख का डिफरेंस आएगा गवर्नमेंट में और प्राइवेट में स्टडी करने का। तो आपको प्लानिंग करना है, जल्दी प्लानिंग करें आपको अगर स्टडी करना है फ्रांस में और आपको बेनिफिट उठाना है तो आपके फ्यूचर अच्छा रहेगा। लेकिन ये चीज है कि आपको वहाँ की बहुत ज्यादा चीजें ग्रैब करनी है, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, तो वहाँ के अगर आप लोकल लैंग्वेज सीख लेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो अगर कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, आप पूछ सकते हो, सारे डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल देंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Bye.